सैयदा मरियम बोली ए अल्लाह मेनू अता फरमाए ने ते रब ओए रोजा का यरजुकु रिज़्क़ल जिसे चाहे मैयशा जिसे चाहे जदो चाहे जिस वेले चाहे बेहिसाब देवण ते आवे ते फिर बेहिसाब अता कर छड़दा है बगैर हिसाब विदाउट काउंटिंग गिन के नहीं देंदा फिर जद आवे ते फिर इंज देंदा हुण जरा सुनिए हुण तुहानू क्यों समझाया अगर ए अल्फाज है काबिल गौर है लफ्ज़ कुरान पाक दा अल्लाहू अकबर कबीरा देयर एंड हियर होता है ना यहां और देयर एंड हियर जुबान सारी आनी चाहिए है मैनू इख्तलाफ है कल्चर नाल तेरी सोड़ी पेंट नाल मैं तुहाडे इधर ही आ रहा सी जीटी रोड दे उत्ते वेख्या मोटरसाइकिल पंचर लवा रहे ने दो मुंडे कच्छे पाए उन्हें पिछे ते गए दोपहर दा वेला है और मुफ्ती साहब बैठे ने पूछो नाफ तो लेके गोडा छुपाना ए फर्ज है ते जिन्ने ए ना छुपाया खुद वेख्या ते कौम नु भी खाया उंदे तो लानत है खुदा दी हुण बोलो मैं हदीस ना सुणा जेड़ा सड़े ओ ना बोले जेनू खुशी होवे ओ बोले सुभान अल्लाह बाद नु दीन सुनाओ ना मुंह ते फिटकार पई होंदी है मुंह काला होया होंदा क्यों सुना रहे हैं क्यों दीन तेरे प्यो दा है 40,000 नबी शहीद होए ए सोने इस्लाम दी खातिर इस्लाम ऐसी कीमती चीज है 40,000 नबी शहीद होए इस्लाम दी खातिर तो जे फरमाइए जरा अल्लाहू अकबर कबीरा जद सैयदा मरियम बोली ए अल्लाह ने दिते ने कुरान दे हुनालिका इन देर मालिक ने फरमाया अर्श वाले ने फरमाया उठे खलो के उठे खलो के सैयदना ज़करिया अलैहि सलाम हाथ चुके हुनालिका दा पुकारना दुआ करना उठे खलो के हजरत सैयदना ज़करिया नबी ने अल्लाह दे नबी ने दुआ मंगी रब्बी हबली मिल्लतुन कज़ुर्रियतन तैयबा आए मौला मैनू अपने खजाने जो औलाद दे तैयबा औलाद भी होवे ते पाक होवे इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ और तवज्जो फरमाइए जरा अल्लाह इंज नहीं आख्या दुआ ज़करिया ना फरमाया उठे जिथे मरियम बैठी ने उठे ही खलो के नबी ने दुआ मंगी ते जंज मंगी रब उमे दित्ती तवज्जो है के नहीं है समझ आवे ते सुभान अल्लाह बोलो ना आवे ते फिर ना बोलना 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 असी लेक्चर देना आया ये भी हुजूर दा फरमान एक वक्त आएगा कमीने लोग दीन बयान करेंगे डोले पेंट शर्ट पाई हुई हजरत ने कासम अली शाह हो गए मुफ्ती मुहम्मद शेखुल हदीस इमरान साहब हो गए जिन्हों हुण कौम ने जिन्हों मालिक ने कौम ने जिन्हों मालिक ने फड़े है बाबे दी बद्दुआ नाल मैं जुम्मे वाले दिन क्या इन्हों सीधा फांसी लाओ बड़े उलमा दा कातिल बेगैरत ते फिर कौम भी ऐसी अन्नी है
ਹੁਣ ਵੀ ਆਦੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਬੀ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਯਹੋ ਦੇ ਕੋਸਰ ਤੇ ਫਰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੀਜ਼ਾਨ ਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਪੁਰਸੇ ਰਾਤ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਾਲ ਤੁਲਵਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ ਆਈ ਕੇ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਮਹਸ਼ਰ ਮੇਂ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੋ ਮਹਸ਼ਰ ਮੇਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਂਗੇ सरकार कहेंगे आया हूँ मैं आया सरकार कहेंगे ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे प्यार करेंगे एक माई का पोता बीमार होया बुढ़ी बुढ़ी औरत नहीं दादी दिन बीमार सी ते दुआ करे पई अल्लाह इन मौत ना दे मैनू दे दे ते कोई बंदा सियाना जवान सुनदा खलोता सी उन्हें चल रात वेखांगा अम्मा किन्ना प्यार कर दी है राती काला कपड़ा पा के आ गया दरवाजा खटखटाया बुढ़ी ने दरवाजा खोलिया दादी ने उन्हें कहा कौन आके इधर आई उन्हें कहा ओ सुत्ता पोता मेरा इत्थे लब्बा एक हो रही है वोट दी वारी आवे अल्लाह भी जानदा ते अल्लाह दा हबीब भी जानदा हां नारे कौम कुल मरवा लो वोट खुसरिया नु पावांगे गज्जिया नु मेरा एक नमाजी है नमाज ही छड़ गया कहने आखे मरे नमाज तो पढ़ आखे नूरी साहब गंजा नू धोंदा है ओ बंदे मैनू दस दिता उतू फिर जुमा आया मैं कोई नहीं डरदा वोड़दा अल्लाह रसूल को डरदे बस फिर मैं सही छित्रोल फेर ओ मैं क्या खुदा खराब करी मैं तेन दीन सुनावा तेन गंजा प्यारा लगता है मैं क्या तेन गंजा प्यारा लगता है सानू आमना दा लाल प्यारा लगता है अपनी अपनी चॉइस है ना उन्हों दीन पसंद नहीं है गंजू प्यारा है मुफ्ती मोहम्मद शहबाज साहब आइए कुरान की गल कही मतलब सुना दूसरी गल सुना रहा सी मैं असी वलियां दे दरबार दे जांदे क्यों आ तवज्जो फरमाइयो जरा अल्लाहु अकबर कबीरा दुआ मंगदे पे ने कुरान दे फनादत हुल मलाइका नादा युनादी निदान नादत फरिश्ते आए निदा दित्ती ए जड़ी फे फनादत मुफ्ती साहब बैठे ने उस्ताद ने मेरे मेरे उस्ताद जैसे ने आलम जो होए फे ताकी माल वसले अज दुआ कंटिन्यू प्रे इस कंटिन्यू दुआ जारी है अज दुआ मुक्की नहीं फरिश्ते आए फौरन फनादत ए फे दस दिए नो लेट नो वेट फौरन
फरिश्ते आए आकर नबी नु बोले ऐ सोने नबी इन्नल्लाह युबशिरुका बियाहया रब तेनु पुत्र देवेगा यहया ना होएगा नबीयन वहसूरन वहसूरन व नबीयन मिन सालेहीन जज दुआ मंगी मालिक ने दिता औलाद नेक होवे रब ने फरमाया पुत्र देवांगा ना यहया होएगा नाले नबी होएगा नाले पाका चू होएगा सानू फिर दस दी है मैं आलम नहीं हाँ उलमा दे जुत्ती दे बराबर सच बात है लेकिन जो कुछ पढ़े आते बड़ा पढ़े बोलन छोड़ा कि दीन दा वकार है जरा मौलवी दीन दे वास्ते ना बोले मालिक ने जहन्नम दी लगाम पवाड़ी है अल्जमहुल्लाहु अल्जम युलजम इल्जामन अल्लाह ने उन जहन्नम दी लगाम पवानी है वक्त आवे दीन ते बोलना भी चाहिए है ते फिर वक्त आवे औलाद खुद को भी कुर्बान करना चाहिए ये दीन दा वकार है और तवज्जो फरमाई है उत्थे कुरान ने कहा उत्थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मंगी फिर फौरन कबूल होई इनू आंदे ने दलालतु नस इशारत और नस इक्तदा और नस कुरान सन इंडिकेट करता है कुरान सानू राह दिखांदा है होवे अल्लाह दा वली घोड़े शाह पकोड़े शाह नांग शाह खोती शाह ना होवे अल्लाह दा वली होवे 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 जाओ दुआ मंगो दुआ कबूल होंगी इसलिए अस अल्लाह के वलिया के मजारा जाने बस दुआ बहार रद्द नहीं होती दुआ कबूल होती है ये कुरान है मुफ्ती साहब बैठे पूछ लीजिए ये हमें हुनाली का ये लफ्ज बताता है कि सैयदना हजरत ज़करिया अलैहि सलातु सलाम ने दुआ मंगी जंज मंगी जैसे मांगी वैसे अल्लाह ने अता फरमाई जाहिल कभी पीर नहीं होता ये याद रखना इलिटरेट जाहिल पीर नहीं होता वली नहीं होता हर आलम वली नहीं होता मगर हर वली आलम होता गल समझो गल समझो हर आलम वली मगर जेड़ा वली होवे वो आलम होता समझ आई तो बोलो हर आलम वली मगर हर वली दी कंडीशन है शर्त है हर वली आलम होगा एक और बात कुरान से गल्ला ओही ने तानू सुनांदे ने कौम स्टोरीया नाल तानू असि सुना रहे हैं कुरान दी आयत पढ़कर और भी कोई आखे मैं नहीं मनदा ते बड़ा बेईमान होएगा हुण बोलो ते मैं तीसरी गल करा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह सूरह कहफ कल बहुत उन्ना दा कुत्ता जिस चीज वलिया नाल निस्बत होवे ना जी वली तो सुभान अल्लाह जिस चीज नाल निस्बत हो जावे रब उन्दा भी जिक्र कुरान दे फरमा रहे कल बहुम उनका कुत्ता कोई वजह है ना जिदा जिक्र खुद रहमान फरमा रहे और बोलो सही समझ आंदी पिया कोई नहीं आंदी पई अल्लाह हू अकबर कबीरा तवज्जो फरमाइएगा
نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اللہ دا ولی نال خود پیار ویکھو مالک رب ہو کر اے مچھا نہ پیر اسی کدی نہیں من دے داڑھی چٹ تے مچھا دا زور فلانے دا صاحب زادہ ہے معیار دین ہوندا ہے یاد رکھا کرو معیار کی ہوندا ہے اونچا بولو معیار کی ہوندا ہے ہر وہ بندہ جو مصطفیٰ دا غلام ہے او ساڈا امام ہے جڑا دین دا باغی ہے اس نو کچھ نہیں سمجھدے بھلے جنی وڈی بلا ہوے اے یاد رکھنا نقلبهم اس قدرہ مزہ چکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے تھک پہ تو بس کر دے وہاں چلے جزاک اللہ بس لمبی چوڑی تقریر نہیں پتے دی گل قبول ہو جاوے تے گل بیڑا پار ہو جانا ہے سنیے ذرا نقلبهم ولی سو گئے غار میں اللہ کہہ رہا ہے قلب یقلب تقلیبا نہیں بولو گے تو میں نہیں سمجھاؤں گا گج بج کے بولو جڑا سڑے انہوں ساڑو جڑا خوش ہوے انہوں خوش رکھو ولی سو رہے ہیں 309 سال کنے 300 سنین وزداد اوتی سال 309 سال ولی ستے رہے اللہ رب العالمین ان کی کروٹیں بدلتا رہا بندہ کروٹ بدلے آنکھ کھل جاندی ہے کدی کروٹ بدلے تے آنکھ ہے کھل جاندی ہے اللہ ولیاں نال پیار ہی نہ کردا وہ سوتے رہے اللہ ان کی کروٹیں خود بدلتا رہا ذات الیمین و ذات الشمال کبھی رائٹ سائیڈ پر کبھی لیفٹ سائیڈ پر مالک کروٹیں بدلتا رہا اب ذرا حدیث پاک امام طبرانی دا ریفرنس ہے درے منصور دا حوالہ معالم التنزیل دا حوالہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہی کتا ولیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا اے قرآن ہے قرآن ہے لیکن ہوئے ولی بوچ ڈنڈا پیر نہ ہوئے آج کل دوسری ویکھیا ہے ایک مندری نہیں مندری سرائے کی زبان ہے مندری یعنی انگوٹھی ایک انگوٹھی نہیں انگوٹھے پائے اندر موٹے موٹے انگوٹھے وہ بھی ہر انگلی اچھی اے حضرت صاحب پیر نے لالیاں مخطیب دیا تھا شیعہ دا گڑھ سی میں نو قبر تک کدی شیعہ بھولن گے نہیں ایسا انہوں نے استری پھیری ہے عجب ہی روندے پھر دے رہے وہ تو بڑے چاپ لوگ ساڑے مولوی رہے ہیں میں علامہ صاحب نے عرض کی تھی میں کہا جی زبان ساری چل دی ہے اللہ واسطے دے اللہ دے حبیب واسطے توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ قلبہم باسط باسط یبسط بسطل بچھا دینا اللہ جنو چاندہ بچھا دینا ہے بچھاون والا اللہ ہے جنو چاندہ بچھا دینا ہے جی میں ہونے عمران نے بچھایا ہے فیرون سینہ مار دیو ٹنگ دیو چھوٹا سی پا رہا ہے حافظ صاحب دوسرے دیگی گزری قبلہ کاری ساکھ صاحب دی بولو چلو میں بھی سنا دینا قرآن چاہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوتھا سی پارا قرآن آندا ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا اثما اللہ ڈھیل دیندا ہے کی دیندا ہے ہاں نملی لہم ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں
चार साल साढ़े तीन साल ये पूरे पाकिस्तान ने रोला पाया, कदी इधर जा रहे हैं कदी इधर जा रहे हैं। ये खोता छुटा वदा होंदे मैंने सारे छड़ गए ने। अल्लाह की कसम है दीन नाल होंदा कदी ना छड़ दी दुनिया। ममताज कादरी का जिस स्टेज पे जिक्र ना होवे मौलवी दी रोटी पूरी नहीं होंदी। जिस स्टेज पे मौलवी गाजी अलमुद्दीन शहीद का नाम ना लवे रोटी पूरी नहीं होंदी। लेकिन याद रखिए इसे कहते हैं वायरल होना। कौम नच नच के आंदी मैं वायरल होवा तो रोटी आवे। मेरा चैनल नहीं है, मैं बड़ी नफरत है यूट्यूब ते फेसबुक ना बड़ी नफरत है। मैनू इतने मिलियन देखोगे तो डॉलर आएंगे। हम लानत भेजते हैं ऐसे डॉलरों पर। जनू फेसबुक पे यकीन होवे फेसबुक काले कोलू मंगे, ते जनू मदीने वाले ते यकीन होवे ओ मदीने वाले कोलू मंगे। बस वी हैव बिलीव इन गॉड एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। बस ਉਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ 12ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਅਖਜ਼ ਰਬਿਕ ਇਜ਼ਾ ਅਖਜ਼ਲ ਕੁਰਾ ਵਹੀਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾ। ਅੱਲਾਹ ਢੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ इन्ना अखदहु ओंदी पकड़ बड़ी दर्दनाक है फिर छड़दा नहीं है, फिर छड़दा नहीं है। जदू फिराउन पहुंचिया दरमियान दे अंदर घर को होन लगा कादा काल आमंतु अक्कल ठिकाने लगी गोते आए जदू चित्रोल होन लगी ते फौरन मनन लगा जिब्रील मट्टी चुकी फिराउन दे मुंह च पाई क्योंकि फैसला खुदा है जेदा कलमा पड़े अल्लाह पिछले गुनाह माफ करदा है। जिब्रील मट्टी पाई मुंह दे अंदर कलमा भी नसीब ना होया। बच्चा होवे अमीर होवे गरीब होवे खुश नसीब कुरान दे यमुनून अलैक अन असलमु कुल ला तमुनु अलैया इस्लामकुम 26 पारा सूरतुल हुजरात उधर को नंबर 2 दे अंदर रबांदा है ओ ताडा एहसान नहीं मुसलमान होए ए ता मेरा एहसान है तनु मुसलमान बनाया। यमुनून अलैक अन असलम कुल ला तमुनु अलैया इस्लाम बल अल्लाह यमुनु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बिन मंगे मालिक ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। बिन मंगे ढील दित्ती हुन हजरत पकड़े पैर बस तू ढील तू ते कुरान आंदा जदों फिर फड़दा उनू छड़दा नहीं है। याद रखिए जिन्ने जुल्म कीता मुफीद तालिबीन तुसी पढ़ी होनी है उस्ताद साहब ने पढ़ाई होनी है मुफीद तालिबीन जिल्लुल गमाम सुल्तानुल जाबिर बादलों का साया हमेशा आता है चला जाता है जालिम भी आता है और चला जाता है हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन हुजूर के गुलामों का कयामत तक जिक्र होता है। ये एक अलग चैप्टर है फिर करू कभी सुनावांगे जिंदगी रही थे फिर हाल एक गल सुनी गल खत्म करिए। वली सो रहे रब होकर रब होकर मुकल्लबों में भी नहनो सब्जेक्ट फाइल है। अल्लाह फरमाता है वो सोते रहे हम करवटें बदलते रहे कभी सीधी साइड कभी उल्टी साइड मालिक करवटें बदलता रहा। अल्लाह फरमाया कुत्ते को मंग की मंगनाए कुत्ते अपने पंजे बिछाए क्या मौला जिवें इन्ना दा साथ इत्थे दित्ताई इवे जन्नत साथ अता फरमा। कुत्ता सी होंदा को मुल्ला शुल्ला उन्हें पता की कहना सी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बगैर कंडीशन फरमा मंग की मंगनाए
बगैर शर्त फरमाया मंग की मंगना है, हालांकि मालिक नु पता सी जन्नत मंगेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मंग की मंगना है, कुत्ता होकर बोलिया मौला तेवे ते जन्नत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत दे दिन जदू असहाबे काफ जन्नत च वड़न गए कुत्ता भी नाल दाखिल हो जाएगा। कुरान है ऊंचा बोलो की है अल्लाह दे वली होण अल्लाह कुत्ता होना नहीं वेखदा जन्नत दे छड़दा। हुण नावा सिपारा दे आखरी गल तवज्जो है नामा से पा फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि अलहद औ तत्रुकुहु यलहद। तवज्जो है एक कुत्ते ने अदब किया तो जन्नत पा गया। ये भी कुरान है हम सुनिए जरा। लोग कहते ना जी तारीख में ये था जो सहाबा को भौंकते कुत्ते की तरह, तारीख में ये था अजी मिर्जा भौंकता पे नबिया नु बल नबी बली तो कोई शाय नहीं तेरे जम्मन ते भी लानत है। सुनिए कुरान है कुरान ने क्या अदब पाया कुत्ता जन्नत जाएगा। उनकी कुरक्षण मदीने वाले फरमाई हुजूर ने फरमाया कुत्ता जन्नत जाएगा तो मतलब जाएगा जाएगा असि किसे मुल्ला का फतवा नहीं देखना मुस्तफा का फरमान देखना। ठीक हो गया हूं जरा एक गल सुन गल खत्म। तुसी नौजवान है तुम पैगाम देना आया मैं इन्ना सफर किया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक वली सी बलआम या बलआम उदा नाम सी ओ बड़ा मुस्तजाब दुआ सी जदू दुआ मंगदा सी मालिक कदी रद्द नहीं कीती। नावा सी पा रहा है तारीख में ये पढ़ा अशिया कहंदे ने ओ खुदा खराब करी जदू कुरान क्या छड़या वा कुल्लन वाद अल्लाहुल हुस्ना सहाबा जन्नती ने रजी अल्लाह अनहुम व रदू अन कुरान दा वादा है उलाई के कद रफी कुलूबहिम ईमान वादा है वाद अल्लाह الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم फॉर देम लहुम इसमें सारे सहाबा शामिल है लहुम लहू लहुमा लहुम नबी के सारे सहाबा शामिल है। जब कुरान ने कह दिया ये सारे जन्नती है तू मरे तारीख पीछे चल असि कुरान पीछे चल लेंगे तो मुस्तफा के फरमान पीछे चल लेंगे। तारीख में ये था सुनिए जरा बली सी हजरत मूसा अलैहि सलाम इलाके फतह करते हुए आ रहे थे। ओए ए दुनियादार ए गंजू फंजू ए दुनियादार फिर आड़े आंदे ने तोहफे तोहफ दिते और मुल्ला दी कॉन्फ्रेंस ही देख लो बाबे खादम दी देख लो कोई नाल कुड़ी नहीं खलोती कोई रड़ नहीं है। हजरत साहब नु देख लो डीजल नु मेरी मस्जिद च तबलीगी बड़े आंदे सन जदों मैं फेरा ना इस्त्री एक भी नहीं आंदा। पता लगदा ना जी हरामी हलाली दा आशिक और कमीने दा पता लगदा है केनु दीन पसंद है ते केनु नहीं है। हदीस साहब हदीस पाकी से किताब दा हवाला है हुजूर ने फरमाया जो लोग बर्बाद हुए तुमसे पहले आसमानी किताबें नाजिल हुई उलमा ने किताबें लिखी वत्तबाऊ किताबहुम वो पैरवी भी करते थे उनकी किताब की आसमानी किताबें छोड़कर। आज भी यही हाल है इस कौम का
मेरे मौलवी ने आखे किताब है, मरे तेरे मुल्ला दी किताब वेखा यार, रब दा कुरान वेखा, कुरान वेखा, बोलते नहीं तुसी, नहीं समझ आई, समझ आई, समझ आई, ओए मुल्ला दी किताब अगे या सोना कुरान अगे। शेर चुके हो ने हजरत ने, शेर सुन लो, ये भी हदीस है, दुरे मंसूर ने फरमाया कि वक्त आएगा लोग शेर पढ़ेंगे कुरान ही पढ़ेंगे। बात लंबी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इलाके फतह करते आ रहे थे, ओ कौम पहुंची और पीर को वली को दुआ मंग मूसा के खिलाफ, ये नबी है रसूल है, बाद कायनात में बाद खुदा दे कायनात में सबसे अफजल तरीन जो हस्सी है वो नबी होता है। उन्हें क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं मुस्तजा पे दुआ लेकिन मैं बद दुआ नहीं करेगा, मेरा खात्मा बुरा होगा। उन्होंने बद दुआ न की, बेनजीर के खिलाफ तो फतवा दिता सी औरत की हुकूमत हराम है, हम मर रहे हैं डीजल आ खुदा खराब करी, हम तू जो ना टूरा फिर रहा है इस मां नाल मरियम नवाज नाल, ये जायज है? थले उतर गया, मैं कि मैं खलोता था दो छोड़ देनी सन, उदू फतवा और सी हुण और है। बाबे खारिब दा फतवा पूरी जिंदगी को ही रहे, मन सब नबीयन उनु ठोक दे कोई होवे चक दे उनु दुनिया तू फक्तुलू यू किल हिम, मार दे उनु भले कोई है। हम मर रहे डीजल आ, खैर उन्हें फिर तोहफे भेजे उनकी बुढ़ी कोल, जिम्मे हजरत नू गंजे भेजे ने बोरिया दे बोरिया, फतवे बदल जाते हैं कदी उधर कदी उधर, कदी सरदारी कदी बीमारी कदी गंजे कदी फंजे, उन्हें तोहफे तो है भेजे, फिर क्या होया? उन्हें फिर बुढ़ी कैल किता मरे तू कह, ये मरियम नवाज आदी है मौलवी तू फतवा दे, उन्हें कहा फतवा कोई गल नहीं तोहफे तो है दे रहे ने, नहुसत लिखी सी बदबخت लिखी सी उन्हें बददुआ से हाथ चुक दिते, वली सी तवज्जो फरमाइएगा, कुरान की बात कर रहा हूँ, ये पैगाम है, ये ना आखना किसे मुल्ला ने दसया नहीं सी, याद रखना नबी बड़ी अजमत वाली जात होती है, नबी बड़ी शान वाली जात होती है, अल्लाह फिर वली भी नहीं देखता, गुस्ताखी ऐसी होती है अल्लाह वली होना भी नहीं देखता, रब कुत्ता बना देता है। ये कुरान उलमा बैठे हैं नामा सिपारा, रब का कुरान कहता है जब उसने दुआ के लिए बददुआ के लिए हाथ उठाए हजरत मूसा के अंगेज आपके खिलाफ, अल्लाह कहता है कुत्ते की तरह जुबान बाहर आ गई। ये नबी होते हैं जो इनकी गुस्ताखी करे अल्लाह विलायत भी ले लेंदा है ईमान भी ले लेंदा है, जड़ा गुस्ताख है नबी होवे काफिर होके मरदा है। आज दी पैगाम को समझ आया कि ना आया? अल्लाह रब्बुल आलमीन पीर साहब बैठे हैं, तरीफ अल्लाह रसूल दी, एक हदीस सुनाने लगा हूं बस, अस्सोहबत मुअस्सरत वलौ काना साअ, वली होवे कामिल, अस्सोहबत मुअस्सरत वलौ काना साअ, वली होवे दाता अली हजवेरी, वली होवे बाबा गंजे शकर, समझ आई क्या ना आई? मुर्शिद होवे मोइनुद्दीन,
मुरीद होवे बख्तियार का की फिर रंग लगे ही लगे ना लगे सोहबत असर कर गई सोहबत असर अल्लाह साडे ते भी शामिल फरमा दे अगर एक लम्हा ही क्यों नहीं सोहबत असर करके होती है। मैं मियांवाली गया भोर शरीफ है भोर शरीफ बाबा फतेह मोहम्मद भोरवी रहमतुल्लाह अलैह आप गुजरे बाबे ते शायक लख लाना जिथे सुता पे आना हर लम्हे दे लाना ते बाबे ते शायक यही वेला है हदीसे पाक उलमा से दूर रहेंगे तो ऐसे होगा और एक हदीस में है जमात से दूर रहोगे यदुल्लाह अलल जमात अल्लाह दा हाथ दस्त शफकत दस्त रहमत मालिक का जमात पर होता है जमात से जुदा नहीं होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जेड़ा जमात तो दूर होया उंदा बेड़ा गर्क होया इकल्ला कुत्ता भौंकदा पे इकल्ला असलाफ का रास्ता देख ले जब से ये फेसबुक आई सत्यानाश हो गया पहले ये फितना नहीं थे कुर्बे कियामत इब्ने अभी शाबा में है हुजूर ने फरमाया कि जब एक घर में भाइयों में इख्तलाफ पड़ जाए समझ लेना कियामत आ गई प्यो मर जावे एक वहाबी है एक बरेलवी है एक दियोबंदी शिया है चार पुत्र ने प्यो मरिया पे लड़ाई हो रही है असी वेखे है मैं जनाजा पढ़ावांगा वादा मेरा मौलवी पढ़ाएगा मदीने वाले ने फरमाया सी कियामत आ जाएगी इब्न अबी शैबा और इनकी सही है तो जो है कि नहीं तो कुरान ये कहता है हदीस पाक कि अस्सोहबत मुअस्सरतुन वलौ काना सा बाबा फतेह मोहम्मद जा रहे ने तवज्जो फर्स आखिरी गल जा रहे ने के देखिया ईसाई बच्चा गुली डंडा पे खेल रहा है उन्होंने किताब बेचे करामात मैं पढ़ी उठे जाके मैंने तो सी देखो बच्चा बड़ा सोना सी अल्लाह दे वली ने नजर इलसमा आसमान वल वेखिया सुम्मा काला फिर बोले मौला तिफलुन जमीलुन बच्चा बड़ा सोना है अंत करीम हो तू ही बड़ा करीम है इनू जहन्नम में पावे तेरी शान दे लायक नहीं है अल्लाह दे वली बोले बस अल्लाह दे वली ने वेख्या जुबान तो कलमा जारी हो गया केस दायर होया केस बाबे ने बुलाया आओ अदालत और कसूर की सी जन्नत वाल बुलाया एक कसूर सी मगर बाबा जबरदस्ती कलमा पढ़ाना है आप सुना मैं केनु कलमा जबरदस्ती पढ़ाया ना अके बच्चा जद उगली उठी जज वल कुर्सी छड़ के डस गया बद नसीब सी ना उगले उठन तो पहले नस गया कहंदा मकसद है चंद लम्हे वली उन्ना नु वेख्या उन्ना वली नु वेख्या बेड़ा पार हो गया वला उकान
कोई गल असाती की होवे दौदी माफी चाहने अगर दीन वाल पास वेख के ए नाराजगी भी अल्लाह बड़ी चंगी लगती है। फरमाया जरा अल्लाह वास्ते नाराज होवे अल्लाह बड़ा प्यारा लगता है। नाराजगी भी अल्लाह वास्ते होवे ते प्यार भी अल्लाह वास्ते होवे ते ओनू बंदा ईमान वाला आंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आसाने नू पीर साहब नू इस इलाके दे इन्हां दा साया तादेर कायम रखे। अल्लाह इंजी चंगी महफिल ते चंगी सोबत अल्लाह हर मुसलमान नू नसीब करे। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل